हिमाचल की राजधानी शिमला के डीसी ऑफिस में गुरुवार को विजिलेंस ने रेड की। इस दौरान विजिलेंस ने शिमला वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर सादिक मोहम्मद को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ये कुछ लोगों से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को रिन्यू करने के लिए 1,00,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। पीड़ित लोगों ने इसकी शिकायत विजिलेंस को की। विजिलेंस की टीम दोपहर बाद डीसी ऑफिस पहुंची और आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। विजिलेंस के अधिकारियों ने आरोपी से पूछताछ के लिए डीसी ऑफिस का कमरा नंबर 408 हायर किया। यहां पर आरोपी से पूछताछ चल रही है। फिलहाल विजिलेंस इस बात की जानकारी जुटाने में जुटी है कि वो पहले भी इस मामले में संलिप्त था या नहीं। वहीं विजिलेंस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी की पूछताछ लगातार जारी है कि वो किस किस से पैसे ले रहा था। इसकी एक सूची तैयार की जाएगी। इसी संबंध में डीसी शिमला आदित्य नेगी को भी सूचना दी जाएगी। प्रॉपर्टी रिन्यूअल से जुड़े दस्तावेज भी विजिलेंस ने कब्जे में लिए हैं। आज हमारे यहाँ पे FIR रजिस्टर हुई है पीसी एक्ट के अंतर्गत, जिसमें एक सादिक मोहम्मद वक्फ बोर्ड में स्टेट इंचार्ज है, उनके द्वारा जो है कंप्लेनेंट से 1,00,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी एज ए ब्राइब, रिश्वत के तौर पे। उसी के तहत जो है वो पैसे लेने डीसी ऑफिस आया था। वहीं पे हमारी जो टीम है शिमला की, उन्होंने ट्रैक किया इसको कंप्लेनेंट की कंप्लेन के आधार पर जो है वहां पर इसको रंगे हाथों 1,00,000 रुपीज लेते हुए पकड़ा गया है।